1 जुलाई से 31 गांवों के लोग नगर निगम में जुड़कर शहरी हो जाएंगे। पंचायती राज विभाग की संस्तुति मिलते ही इन गांवों को विधिवत नगर निगम का हिस्सा मान लिया जाएगा। हालांकि बजट न होने के कारण इन गांवों के लोगों को शहरी होने के बाद भी सुविधाएं उन्हें गांव वाले ही मिलेंगी। शासन ने बजट मिलने के बाद ही नगर निगम इन गाँवों में विकास कार्य करा पाएगा। नगर निगम प्रशासन ने तकरीबन 200 करोड़ रुपए का बजट मांगा है। गौरतलब है कि नगर निगम का दायरा बढ़ाने की कवायद वर्ष 2016 में शुरू हुई थी। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद प्रक्रिया में तेजी आई। पिछले साल प्रदेश सरकार ने 31 गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल करने की स्वीकृति दे दी थी। अब 1 जुलाई से यह गांव नगर निगम के रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। 31 नए गांव में जुड़ने के बाद नगर निगम का दायरा 147 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 210 वर्ग किलोमीटर होने की संभावना है। वर्तमान में नगर निगम में 70 वार्ड हैं। माना जा रहा है कि वार्डों की संख्या अब 70 से बढ़कर 90 हो जाएगी, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हो सका है। नगर निगम में शामिल गाँवों में सिकटौर, तप्पा हवेली, रानीडीहा, खोराबार उर्फ सुबा बाजार, जंगल सिकरी उर्फ खोरा बाजार, भरवलिया बुजुर्ग, कजाकपुर, बड़गों, मनहट, गायघाट, पथरा, बागरानी, गायघाट खुर्द, सेमरा देवी प्रसाद, गुलरिया, मुडिला उर्फ मुडेरा, मिर्जापुर, तप्पा खुटहन, करमहा उर्फ करमहिया, जंगल तिनकोनिया नंबर 1, जंगल बहादुर अली, नूरुद्दीन चक, चक्रा दोयम, चक्रा सोयम, रामपुर, तप्पा हवेली, सेंदुली बेंदुली, कठवतिया उर्फ कठौर, पिपरा, तप्पा हवेली, झरवा, हरसेवकपुर नंबर 2, लक्ष्मीपुर, तप्पा कस्बा, उमरपुर, तप्पा खुटहन और जंगल हकीम नंबर 2 शामिल है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया। देखिए, नगर विकास विभाग से तो नोटिफिकेशन उन 31 गांवों का हो चुका है, तो नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन के दृष्टि से वो 31 गांव हमारी सीमा में सम्मिलित हो चुके हैं, लेकिन पंचायती राज विभाग से वो उन गांवों का डी नोटिफिकेशन होना है कि अब वे गांव नहीं रहे बल्कि शहरी सीमा में सम्मिलित हो रहे हैं। उस डी नोटिफिकेशन का इंतज़ार है हम लोगों को। वो जैसे ही पंचायती राज विभाग डी नोटिफाई करता है, उसके बाद ये गांव नगर निगम की सीमा में सम्मिलित हो जाएंगे। नगर निगम की सीमा में सम्मिलित होने वाले 31 गांवों का सर्वेक्षण करा लिया गया है, क्या क्या मूलभूत सुविधाएं वहां हैं, क्या किन मूलभूत सुविधाओं की कमी है, ये सर्वेक्षण करा लिया गया है। हमारे पास सारे डेटा हैं, तो जैसे ही ये डी नोटिफिकेशन होता है उन गाँवों में भी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जो भी उन गाँव के निवासियों को अच्छा जीवन देने के लिए, अच्छा जीवन स्तर देने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो भी करने किया जाना है वो हम लोग जल्दी से जल्दी करेंगे।